हेलो फ्रेंड्स, मैं मदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिज़ाइनर ब्लाउज का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। 36 साइज़ का आप इस पैटर्न को बनाना चाहते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेकर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है 36 साइज़ के लिए 80 सेंटीमीटर और अस्तर का कपड़ा 1 मीटर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। टोटल लेंथ हमें यहाँ पर ले लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली है 14.5 इंच। 13.5 इंच लेंथ मुझे रेडी रखनी है इस ब्लाउज़ की। और अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनेगा वो बोट नेक के अकॉर्डिंग बनेगा। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं इसमें 36 साइज़ में 7 इंच। अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर इसका चार्ट अपलोड किया हुआ है बोट नेक का, आप देख सकते हैं। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट आप जान सकते हैं। शोल्डर रखे हैं 7 इंच, आर्म होल्स लिए हैं 7 इंच और यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है 9 इंच। 36 साइज़ का फोर्थ पार्ट हम ले लेंगे 7 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पर करनी है बैक पार्ट की। अब हमें कमर का मेजरमेंट ले लेना है यहाँ पर, तो कमर 30 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है। 1/2 इंच का हमें शोल्डर को डाउन करना होता है बोट नेक ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने कट कर लेना है और इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। नीचे से जो हमने कपड़ा एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा किया था उसे भी हमने कट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ यहाँ पर बना सकते हैं प्रिंसेस कट बोट नेक का। तो देखिए यहाँ पर आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं कटिंग से लेकर स्टिचिंग और नेक डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लाउज़ को फिटिंग कैसे करना है वो भी आप देख सकते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कपड़े को सीधा करेंगे और ये जो ब्लाउज़ है हम उसे बैक ओपन पर बना रहे हैं। आप साइड जिप के साथ भी बना सकते हैं, साइड हुक के साथ भी बना सकते हैं। तो अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने देखिए कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और टोटल लेंथ में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा किया है, फिर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच को छोड़ते हुए मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है और एज इट इज़ हमने मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से देखिए मार्किंग हमें करनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग करनी है। साइड से हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लेना है, तो वो हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे। आर्म होल का मार्किंग हम 7 इंच पर कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गहराई करेंगे, वो हम स्टिचिंग के समय पर करेंगे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच और नीचे वेस्ट की तरफ से आप लीजिएगा 2 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है फ्रंट पार्ट के लिए और अब हमने इसे कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। मैं इसे स्लीव लेस पर बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं। मेजरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, मेजरमेंट एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट को साथ में रख लेना है और बोट नेक में शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आर्म होल के काफ़ी सारी चुन्नटें बनती हैं। तो अच्छे से हम बैक और फ्रंट पार्ट को पहले बराबर रख लेंगे, फिर 1/2 इंच का यहाँ पर हम शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरीके से। नेक की जो विड्थ है वो मैं थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ इसमें 4.5 इंच, अगर आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं। बोट नेक में हम जो गले की चौड़ाई होती है वो ज़्यादा ही लेते हैं, मैंने यहाँ पर नेक विड्थ रखी है 4.5 इंच। इसके बाद हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्क करना है, यहाँ से हमने लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच लिया है विड्थ में। ऊपर से टक्स पॉइंट आपको ले लेना है 10.5 इंच, 10.5 इंच ले लेना है टक्स पॉइंट
और जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है वहाँ पर आपको इसे सीधा कर लेना है। यहाँ से चौड़ाई में आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है, विड्थ में आप लीजिएगा 4.25 इंच, 3.75 इंच। टक्स पॉइंट वाली लाइन को आप नीचे की तरफ मिला लीजिए। इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर आर्म होल की गोलाई इस तरीके से। आर्म होल की गोलाई देने के बाद हम विड्थ की मार्किंग यहाँ पर करेंगे। विड्थ में आपको लेना है 2.25 इंच, 1.75 इंच। लेंथ में लीजिएगा 2 इंच, 2 इंच हमने लेंथ में लेना है। तो ये हम 36 साइज़ के लिए मार्किंग कर रहे हैं, और सेम मेज़रमेंट आप 37 और 38 में भी ले सकते हैं। बस नीचे से जो विड्थ है टक्स की वो आपको ले लेनी है 2 इंच। यहाँ पर हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है और प्रिंसेस कट की, अब हमने इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट कर लेंगे। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हैं तो आप स्लीव्स की कटिंग कर लें इसके बाद। मैं इसे स्लीवलेस पर ही बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मैंने जो 80 सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ पर लिया है, इसमें आपकी छोटी या बड़ी स्लीव्स जैसी भी आप निकालना चाहें आराम से निकल जाएगी। और क्योंकि इसका पना बड़ा है तो आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे ही पार्ट मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। नेक की जो डिज़ाइन है वो मैं आपको स्टिचिंग के समय पर ही बताऊंगी। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में रख लेना है इस तरीके से, और सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसे सिलाई लगा कर कम्प्लीट कर लेंगे। हाथ से आपको फिनिशिंग करते जाना है ताकि अंदर कोई भी सलिया क्रिज बिल्कुल भी ना आए इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने आमने सामने की तरफ रखना है इस तरीके से, और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसी तरीके से जॉइंट कर देना है। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है बुकरम। अगर आपके पास बुकरम नहीं होता है तो आप पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और अगर बुकरम होता है तो बुकरम भी ले सकते हैं। बुकरम और पेपर पेस्टिंग में अंतर ये होता है कि बुकरम थोड़ा सा हार्ड होता है और पेपर पेस्टिंग सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है गले की चौड़ाई का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 4.5 इंच। अगर आपको कम रखनी है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं यहाँ पर। और गले की जो लेंथ है वो मैंने लिया है 6 इंच। 6 इंच नेक की लेंथ है और 4.5 इंच नेक की विड्थ है। अब हमने यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। सिंपल आपको राउंड शेप बना लेना है। फिर आपको कोई भी राउंड वाली चीज़ यहाँ पर ले लेना है। आप बॉटल का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई क्रीम की आपके पास ये डब्बी होती है तो उसका ढक्कन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हाफ़ राउंड यहाँ पर लेना है, जैसे कि ये डबल फोल्ड में है। तो यहाँ पर हम हाफ़ बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, क्योंकि हाफ़ हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसे इस तरीके से रखना है। ये देखिए जो राउंड सर्कल हमने बनाया है उसके बिल्कुल पास से यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो बस हम यहाँ पर राउंड राउंड मार्क करते जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा कटवर्क का नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा डिज़ाइनर ब्लाउज़ में आपका। और ये जो शेप है जो मैंने डब्बी यहाँ पर यूज़ की है, तो ये आप किसी भी आप अपनी पसंद से इसे जो राउंड हमने बनाया है छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लास्ट वाला थोड़ा छोटा आ रहा है तो वो मैंने नेक की तरफ इस तरीके से मिला दिया है। और अब हमने इसे कट कर लेना है। साइड से हमें 1 इंच बढ़ाकर कट कर लेना है। अब हमें कट वर्क वाला पार्ट को इस तरीके से कट कर देना है। तो ये जो सर्कल हमने कट वर्क के बनाए हैं वो आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। शेप जो है वो आप अपने हिसाब से
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक देगा और इसका जो बैक है वो भी हम इसी तरीके से कटवर्क पर ही बनाएंगे। इसे मैंने अस्तर वाले कपड़े के साथ अटैच कर लिया है इस तरीके से। अगर आपके पास चिपकाने वाला बुकरम या पेस्टिंग होता है तो आप उसे चिपका सकते हैं, ये बिना चिपकाने वाला है। अब मैंने जो कटवर्क यहाँ पर डिज़ाइन दिया है उसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा लेती हूँ ताकि ये कपड़े के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। साइड से सिर्फ उतना ही फैब्रिक यहाँ पर हमें रखना है जितना कि फोल्ड करें हम, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। डबल फोल्ड करके हम सेंटर में मार्किंग और कट लगा लेंगे। अब हमें अपने ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट लेना है और उस पर भी सेंटर मार्किंग इस तरीके से कर लेनी है। अच्छे से आप सेंटर मार्क यहाँ पर कर लें, सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है और चौक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच हम यहाँ पर नीचे तक लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये बुकरम से चिपकाते हुए जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ की है उससे चिपकाते हुए बिल्कुल कॉर्नर की एक एक सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। डिज़ाइन का शेप भी हमारा अच्छा आए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर देखिए इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर रखना है, बाकी सारा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर फैब्रिक को रखेंगे, बाकी सारा ही फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। और कट आपको अच्छे से लगाना है। जो सेंटर में मैंने सिलाई लगाई थी उसे पहले मैं खोल देती हूँ इस तरीके से। सिलाई निकालने के बाद हम पूरे ही पैटर्न पर अच्छे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। पूरे ही पैटर्न पर कट लगाने हैं और जो ये कट वर्क है उस पर आपको कट अच्छे से लगाने हैं। अगर कट अच्छे से नहीं लगेंगे तो ये फोल्ड नहीं होगा। अब इस डिज़ाइन को आपको बाहर की तरफ निकालते जाना है इस तरीके से, ये देखिए। जो डिज़ाइन है उस पर हमें बाद में प्रेस लगा लेनी है और अभी मैं इसमें इसे साइड में रख रही हूँ और बैक पार्ट को भी तैयार करूँगी। उसके बाद मैं दोनों पर ही प्रेस अच्छे से लगा लूँगी। अब हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट को अटैच करना है। प्रिंसेस कट पार्ट हम नीचे से ही अटैच करेंगे। अगर आर्म होल्स की तरफ से आपका कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा होता है तो आप उसे गहराई करके बराबर कर सकते हैं। इस वाले तरफ से भी हम नीचे से ही जॉइंट करेंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर से नहीं करना है आर्म होल्स तरफ से। अगर आप ऊपर से करेंगे तो आपका जो नीचे का लेंथ है वो ऊपर या नीचे हो जाएगा, बराबर से नहीं आएगा। देखिए अब हमने पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करने के बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बोट नेक है, तो बोट नेक में हम हमेशा 0.75 इंच की गहराई करते हैं। 0.25 इंच आपको गहराई देनी है, थोड़ी ज़्यादा गहराई हम इसमें देते हैं, ये देखिए। दोनों तरफ हमने गहराई साथ में ही दे दी है, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं। इसके बाद हमने सिलाई लगाकर इसे पैक कर दिया है। सिलाई लगाकर पैक कर दिया है, नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। कमर पट्टी की चौड़ाई हमने रखी थी 1.5 इंच और यहाँ पर नीचे से 0.5 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे, फिर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट को भी मैंने अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है, फिर से मैंने बुकरम ही लिया है। 4.5 इंच रखेंगे विड्थ और यहाँ पर 11.5 इंच मैंने लेंथ रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। फिर हम यहाँ पर राउंड यहाँ पर हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। पीछे का नेक में वी बना रही हूँ, आप राउंड भी रख सकते हैं। वी शेप बनाने के बाद फिर से हमें हाफ जो है यहाँ पर
राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से। यहाँ पर भी हम कट वर्क वाली ही डिज़ाइन बना रहे हैं, तो बस जैसा हमने फ्रंट में किया था सेम उसी तरीके से हमें बैक में भी राउंड राउंड बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने दिया है वी शेप, तो ये आएगा डीप वी शेप इस तरीके से। तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा आपके बैक को, बैक डिज़ाइन को। जो लास्ट का है आप उसे इस तरीके से कर ले, ये देखिए। अब हमें साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर देना है, और जो कट वर्क ड्रॉ किया है उसे आपको इस तरीके से कट कर लेना है, और इसे अटैच उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने फ्रंट का किया था। तो इसे भी आप अस्तर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख कर अटैच कर लें सिलाई लगा कर। ये देखिए हमारा जो नेक है वो इस तरीके से आ जाएगा, और मैंने इसे अटैच कर लिया है अस्तर के साथ। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर हम यहाँ पर नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। तो कटवर्क के ऊपर इस तरीके से आपको डिज़ाइन देते हुए सिलाई लगानी है, और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। अगर आपको बैक ओपन नहीं रखना है तो साइड हुक और साइड स्लिप के साथ बना सकते हैं। साइड हुक और साइड स्लिप के जो ब्लाउज़ के वीडियोज़ हैं वो चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं कैसे बनाना है, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरा ही हम इस तरीके से कर लेंगे डिज़ाइन को। तो देखिए इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो सिंपल सा ब्लाउज़ भी आपका काफ़ी डिज़ाइनर लुक देगा, और बैक में अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो बोट नेक में जो शोल्डर है वो डाउन नहीं होते हैं, आप इसे विदाउट डोरी भी पहन सकते हैं। अच्छे से हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से इसे कट कर लेना है। अब आप पूरे ही पैटर्न पे कट लगा लीजिए और इसे पलट लेंगे। पलट कर मैंने सीधा कर लिया है, प्रेस भी लगा ली है इस पर, मैंने दोनों पर ही मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है। ऊपर फिनिशिंग की सिलाई अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी अच्छे से फिनिशिंग से दिखेगा आपका गला, बस आपको अंदर की तरफ तुरपाई कर लेनी है। हाथ से आप इसमें तुरपाई कर लें। अब हम यहाँ पर 4 इंच की लेंथ में प्लीट्स डाल लेते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों तरफ प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें प्लेट्स लगा लेनी है, और इसके बाद हम हाई हुक की पट्टी लगा लेंगे। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर हाई की पट्टी लगा लेनी है, और इसके बाद हम इसे नीचे की तरफ से कट कर लेंगे। दूसरी तरफ हमें डबल फोल्ड करके हुक की पट्टी लगा लेनी है। हुक की पट्टी को अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है। हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद आप चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं है, और इसके बाद हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी अटैच करने के बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट वाला गला जो है उससे शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ, आप बैक नेक से भी कर सकते हैं। फ्रंट वाला जो गला है उसकी जो गला पट्टी है वो मैंने बाहर की तरफ निकाली है, और उसके ऊपर हमें शोल्डर को इस तरीके से अटैच कर देना है। गला पट्टी को ऊपर की तरफ करते हुए हम 1/2 इंच कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इससे ये होगा कि हमारे जो शोल्डर है वो इनविजिबल अटैच हो जाएंगे, देखिए इस तरीके से, और जो गला है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब हमें करना है फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग।
इस तरीके से फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे और पिन लगा लेंगे। ये हम आस्तीन लगाने से पहले करेंगे और अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो पट्टी लगाने से पहले करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो मैंने कट कर दिया है, बैक पार्ट के बराबर से कर लेना है। आर्म होल्स तरफ से भी गहराई करके हम बराबर कर लेंगे। यहाँ से भी कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे भी बराबर कर लेंगे। अब हमें लेना है उरेब पट्टी, तिरछी पट्टी मैंने यहाँ पर ली है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को इस पर अटैच कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और आपको छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देना है, ये देखिए इस तरीके से सिलाई के पास तक आप कट लगा लें। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और अब हम एक सिंगल फोल्ड करेंगे यहाँ पर हाफ इंच रखते हुए। सिंगल फोल्ड करने के बाद हम इस तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, देखिए इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। और पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो बहुत ही इजीली ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। और सेम इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी पट्टी अटैच कर लें। इसके बाद हम ब्लाउज़ में फिटिंग लगाएंगे तो हम सबसे पहले एक सिलाई सीधी तरफ लगाएंगे इस तरीके से। देखिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था उससे हमारा जो ब्लाउज़ है वो एकदम बराबर से यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी पार्ट बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं होगा। और इसके बाद हम मेन फिटिंग लगाएंगे तो सेंटर से मार्क करना है आपको और नापना है। चेस्ट का 4 पार्ट ले लेंगे 9 इंच, कमर का ले लेंगे हम 7.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। और ये ब्लाउज़ हमारा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।